सब्जेक्टिव शीट नंबर 10 का क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 ये हमने कर लिया था। हमने एक क्वेश्चन नहीं किया, क्वेश्चन नंबर 5। इसे ओपन करो। देखो इसमें अ ट्रेन 110 मीटर लॉन्ग इज ट्रेवलिंग एट 60 किलोमीटर पर आर। तो एक ट्रेन है 60 किलोमीटर आर पे ट्रेवल करती है। इन व्हाट टाइम इट विल क्रॉस अ साइक्लिस्ट मूविंग एट 6 किलोमीटर पर आर। पहला ऑप्शन है इन सेम डायरेक्शन और दूसरा ऑप्शन है इन ऑपोजिट डायरेक्शन। ठीक, अब हमने ये तो किया कि एक बॉडी अगर ट्रेवल करती है एस डिस्टेंस वी वेलोसिटी के साथ और हमें टाइम निकालना है, हम टाइम निकाल लेते हैं एस इज इक्वल टू वी टी अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है। लेकिन हमने ऐसा नहीं किया कि एक ट्रेन साइक्लिस्ट को ओवरटेक करेगी या दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करेंगे तो क्रॉसिंग का टाइम क्या होगा। मुझे एक चीज का आंसर दो। एक ट्रेन मान लो 110 मीटर लॉन्ग है, दूसरी ट्रेन 110 मीटर लॉन्ग है, दोनों ट्रेन्स हैं, दोनों मूव कर रही हैं एट अ वेलोसिटी ऑफ 60 किलोमीटर पर आर, तो बोलो पहली ट्रेन दूसरी ट्रेन को ओवरटेक कितने टाइम में करेगी? करेगी नहीं, क्योंकि बोथ आर मूविंग इन सेम वेलोसिटी, नहीं करेगी। ऐसा क्यों? क्योंकि स्पीड सेम है। अब इस चीज को अगर मैथमेटिकली डिस्कस करना हो तो इसको मैथमेटिकली ऐसे डिफाइन करेंगे कि आपके पास मान लो दो ट्रेन्स हैं और अगर इमेजिन करो दोनों 60 किलोमीटर पर आर के साथ आगे मूव कर रही हैं, तो जो भी लेंथ ऑफ द ट्रेन है, चलो वो तो आपने लेनी लेनी है, डिवाइडेड बाय वेलोसिटी में पता है क्या होगा, 60 में से 60 माइनस डिस्टेंस बाय स्पीड इज टाइम, क्योंकि दो ट्रेन्स का क्वेश्चन है। तो 60 में से अगर 60 माइनस करेंगे तो डिनोमिनेटर में ऑटोमेटिकली क्या जाएगा, जीरो, और टाइम क्या जाएगा, इनफाइनाइट। कभी नहीं करेंगे या बहुत देर बाद करेंगे, कभी एक्चुअल में इनफाइनाइट टाइम पे करेंगे। लेकिन ये चीज हमें कॉमन सेंस से ऑटोमेटिकली पता ही थी कि आंसर आएगा कि कभी नहीं करेंगे। लेकिन मैथमेटिकली हमने कैसे किया, लेंथ ऑफ द ट्रेन को किससे डिवाइड किया, दोनों की वेलोसिटी के डिफरेंस से। अब ऐसा क्यों किया, माइनस क्यों किया, प्लस कब करना है वेलोसिटीज, ये कॉन्सेप्ट अगले चैप्टर में आने वाला है जिसका नाम है वेक्टर्स। वेक्टर में एक टॉपिक आएगा रिलेटिव वेलोसिटी, उसमें सिखाया जाता है कि अगर दो ट्रेन्स या दो बॉडीज सेम डायरेक्शन में जा रही हैं तो दोनों की वेलोसिटी को माइनस करना पड़ेगा और अगर ऑपोजिट आ रही हैं तो दोनों की वेलोसिटी को ऐड करना पड़ेगा। ये चीज मैं आपको वेक्टर में प्रूफ करवाऊंगा। अभी आपको बस ये शॉर्टकट याद रखना है क्योंकि ये क्वेश्चन को मैं अभी सॉल्व कर देना चाहता हूं तो रह जाएगा ये क्वेश्चन। तो अगले चैप्टर में आपको बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जब हम वेक्टर में रिलेटिव वेलोसिटी कर लेंगे तो ऑटोमेटिकली आपको आइडिया हो जाएगा कि ये क्वेश्चन कैसे करना है। तो रिलेटिव वेलोसिटी होती क्या, मैं बता देता हूं। वैसे अगर एक कार जा रही है एट अ स्पीड ऑफ 60 और दूसरी कार जा रही है एट अ स्पीड ऑफ 60, तो ये ड्राइवर को अगर पूछा जाए कि ये कार की उसकी स्पीड क्या है विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट कार बता, तो आंसर जीरो बोलेगा। इफ दे आर मूविंग इन विद सेम वेलोसिटी तो आंसर जीरो बोलेगा। क्यों? क्योंकि वो ये मानता है कि अपने आप को वो रेस्ट पे मान लेता है और दूसरे की वेलोसिटी कैलकुलेट करने की कोशिश करता है, या दूसरे को रेस्ट पे मान लेता है और अपनी वेलोसिटी कैलकुलेट करने की कोशिश करता है। तो वो कैसे करता है, अपनी वेलोसिटी में से दूसरे की वेलोसिटी को माइनस कर देता है तो ऑटोमेटिकली आंसर आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, चलो एक और बढ़िया एग्जाम्पल देता हूँ, उससे ज्यादा क्लियर होगा आपको। जैसे सपोज आपके पास दो कार्स है, एक की स्पीड है 60 किलोमीटर पर आर, ठीक है, और दूसरे की स्पीड है जैसे मैंने बताया 60 किलोमीटर पर आर। तो ये ड्राइवर इस ड्राइवर को देखते हुए क्या बोलता है कि ये किस पे है, एट रेस्ट। ऐसे लगेगा ना, रेस्ट, दोनों सेम वेलोसिटी पे जा रहे हैं तो रेस्ट पे है। अगर मैं ऐसे पूछता हूं कि ये 60 किलोमीटर पर आर है और दूसरी बॉडी मूव कर रही है 10 किलोमीटर पर आर से, तो 60 किलोमीटर वाला जब 10 किलोमीटर पर आर ड्राइवर को देखता है तो वो क्या बोलता है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरी स्पीड कितनी है, 50। उसे पूछा क्यों,
क्योंकि आप देखो ना 60 में से वो 10 को माइनस करेगा तो इसकी एक्स्ट्रा स्पीड कितनी है 50। तो जब वो 50 बोलता है क्योंकि इसने किया तो इसमें भी यही था 60 में से 60 किया तो आंसर क्या आया था जीरो जीरो आया था। किया तो इसने फर्स्ट प्रॉब्लम में भी सेम है 60 में से 60 किया जीरो इसके अंदर भी सेम किया 60 में से 10 किया 50 तो उसको ऐसा लग रहा है कि वो खुद तो कितनी स्पीड पे चल रहा है 50 किलोमीटर पर आर और दूसरा बंदा किस पे है एट रेस्ट। मतलब अगर मैं ये पूछूं कि ये ड्राइवर जब इसको देखता है तो आंसर क्या है 50 और जब ये ड्राइवर इसको देखता है तब भी आंसर क्या है 50 तो ये और ये एग्जांपल में कोई फर्क नहीं है। तो रिलेटिव वेलोसिटी जब हम सीखेंगे अभी नहीं सिखा रहा मैं आपको बस ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि रिलेटिव वेलोसिटी में दूसरी बॉडी को हम जीरो मान लेते हैं कि वो रेस्ट पे है और अपनी वेलोसिटी को निकाल लेते हैं कैसे बाय सब्ट्रैक्शन ऑफ वेलोसिटीज। पर चलो अभी ये डिटेल में नहीं जाएंगे अभी एक शॉर्टकट याद करेंगे। क्या शॉर्टकट है? अगर दो बॉडीज सेम डायरेक्शन में मूव करती हैं ऐसे जैसे ये मूव करता है 60 किलोमीटर पर आर और ये बॉडी मूव करती है 30 किलोमीटर पर आर इन सेम डायरेक्शन तो आपको अगर टाइम निकालना है ओवरटेकिंग का तो जो भी डिस्टेंस है या लेंथ है उसको इनकी स्पीड से क्या कर देना है डिवाइड और वेलोसिटीज को क्या करेंगे माइनस। कब? व्हेन बोथ बॉडीज आर ट्रेवलिंग इन सेम डायरेक्शन। लेकिन अगर बोथ बॉडीज आर ट्रेवलिंग इन ऑपोजिट डायरेक्शन तो उल्टा हो जाएगा। ऑपोजिट में टाइम टेकन क्या होगा जो भी लेंथ आएगी उसको वेलोसिटीज को हम माइनस की बजाय क्या कर देंगे एड। देखो ना ओवरटेकिंग जल्दी हो जाएगी। एक ट्रेन जब दूसरी ट्रेन को क्रॉस करती है तो बहुत जल्दी करती है। क्यों करती है? क्योंकि दोनों अपनी वेलोसिटीज को क्या कर लेती हैं ऐड। क्योंकि वेलोसिटीज ऐड होने से टाइम क्या हो जाएगा उनका क्रॉसिंग का कम। तो ये याद रखना है इफ टू कार्स आर या टू बॉडीज आर ट्रेवलिंग इन सेम डायरेक्शन वेलोसिटी को माइनस करना है। इफ दे आर ट्रेवलिंग इन ऑपोजिट डायरेक्शन वेलोसिटी को ऐड करना है। क्यों करना है उसका आंसर नहीं दिया मैंने। उसका आंसर नहीं दिया वो वेक्टर के अंदर करेंगे ऐसा क्यों करना है। फिलहाल क्वेश्चन अगर सॉल्व करना है तो दो मिनट का क्वेश्चन है ये। ट्रेन 110 मीटर लॉन्ग है और स्पीड 60 किलोमीटर पर आ रहा है साइक्लिस्ट 6 किलोमीटर पर आ रहा है तो आपको बताना है कि इन सेम डायरेक्शन ओवरटेकिंग क्या होगी। सेम डायरेक्शन में वेलोसिटीज को क्या करेंगे माइनस। तो क्या आएगा 54 किलोमीटर पर आर। इसको मीटर पर सेकंड में कैसे कन्वर्ट करेंगे? इसको 1000 से मल्टीप्लाई और डिवाइड बाय 3600 15 मीटर पर सेकंड। तो टाइम क्या आएगा 110 मीटर लेंथ ऑफ द ट्रेन को 15 से क्या कर देना है डिवाइड। ये इसका आंसर है। और बी पार्ट में क्या करेंगे व्हेन ट्रेन्स आर मूविंग इन ऑपोजिट डायरेक्शन तो 60 में 6 को क्या कर देंगे ऐड कर देंगे प्लस कर देंगे तो क्या आएगा 66 आ जाएगा। ठीक तो पहला पार्ट क्लियर है यहां तक। ठीक और दूसरा पार्ट इफ दे आर मूविंग इन ऑपोजिट डायरेक्शन तो वेलोसिटीज ऐड हो जाएंगी 66 किलोमीटर पर आर हो जाएगा। इसको मीटर पर सेकंड में करेंगे तो 18.3 मीटर पर सेकंड आएगा। यहां से 18.3 मीटर पर सेकंड आएगा और 110 अपॉन यहां पर क्या आएगा मीटर पर सेकंड। तो दिस इज द टाइम टेकन। तो ये बस एक ही क्वेश्चन के लिए वैलिड है अदरवाइज इसका प्रूफ हम नेक्स्ट टाइम करेंगे। बस एक ही क्वेश्चन रह जाता तो बता दिया नहीं तो वैसे ये वेक्टर के अंदर रिपीट होने ही वाला है और वेक्टर में ऐसे बहुत क्वेश्चन आएंगे उसके अंदर तो रोज का ही काम होगा इन वेलोसिटीज को निकालना। तो उसके लिए एक लॉ है पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन वो करने के बाद दो मिनट में आंसर आएगा। बताने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी ऐसा क्यों। ठीक फिलहाल ये क्वेश्चन को छोड़ना नहीं चाहता था इसलिए करवा दिया। ये क्वेश्चन हमने कर लिया था लास्ट टाइम किया शायद ये क्वेश्चन के बाद ये क्वेश्चन किया था लास्ट टाइम या डाउट है डाउट तो नहीं है किया था वैसे शायद क्वेश्चन नंबर 9 में डाउट है इसमें बॉडी इज मूविंग विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन डिस्क्राइब्स 10 मीटर इन थर्ड सेकेंड थ्री सेकेंड्स नहीं थर्ड तीसरे सेकेंड में SNF का फॉर्मूला। तो पहले S थर्ड 10 गिवन है तो 10 इज इक्वल टू U पता नहीं A पता नहीं तो U प्लस A बाय 2 इंटू 2 इंटू 3 माइनस 1। फिर वो कह रहा है कि 12 मीटर इन फिफ्थ सेकेंड तो 12 मीटर फिफ्थ सेकेंड का मतलब है 12 इज इक्वल टू यू प्लस ए बाई टू इंटू टू इंटू फाइव माइनस वन। तो ये फर्स्ट इक्वेशन ये सेकेंड इक्वेशन दोनों को सॉल्व करके यू एंड ए आएगा। नहीं आ रहा कितना आ रहा है ये
अच्छा नहीं, क्या ये आंसर आ रहा है, कितनों का आ रहा है ये आंसर? तो ठीक है, कैलकुलेशन चेक कर दूंगा जाते हुए। ठीक है, तो यू और ए आ गया। अब वो क्या कह रहा है कि आपको इस फिफ्थ सेकंड के बाद, 3 सेकंड बाद डिस्टेंस निकालना है। तो ये डिस्टेंस निकालना है यानी कि 8 सेकंड तक, यानी कि 5 से 8 सेकंड का डिस्टेंस निकालना है। तो मैंने कैसे सिखाया था, टोटल 8 सेकंड का डिस्टेंस निकाल लो, इसमें से 5 सेकंड के डिस्टेंस को माइनस कर दो, आखिरी 3 सेकंड का डिस्टेंस आएगा। तो 8 सेकंड का डिस्टेंस कैसे निकालते थे, यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यू इंटू 8 प्लस हाफ इंटू ए इंटू 8 का स्क्वायर, और 5 सेकंड का यू इंटू 5 हाफ इंटू ए इंटू 5 का स्क्वायर। तो यहां पर यू आर ए की वैल्यू को पुट करेंगे, यू आर ए को पुट करके आंसर आएगा। पॉइंट क्लियर है यहां तक, लॉजिक समझ में आ रहा है कैसे करना है? ठीक ठीक है, तो ये आपका आखिरी क्वेश्चन है इस असाइनमेंट का।